हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चिकित्सा संबंधित आविष्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन बी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन बी का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन डी का आविष्कार होपकिंस ने किया था। विटामिन डी का आविष्कार होपकिंस ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार किसने किया था? स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बोम्समैन ने किया था। स्ट्रेप्टोमाइसिन का आविष्कार बोम्समैन ने किया था। होम्योपैथिक का आविष्कार किसने किया था? होम्योपैथी का आविष्कार हेनीमैन ने किया था। होम्योपैथी का आविष्कार हेनीमैन ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टर लीलेहल ने किया था। ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टर लीलेहल ने किया था। प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार किसने किया था? प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार एडवर्डस एवं स्टेप्टो ने किया था। प्रथम परख नली शिशु का आविष्कार एडवर्डस एवं स्टेप्टो ने किया था। एंटीजन का आविष्कार किसने किया था? एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था। एंटीजन का आविष्कार लैंड स्टीनर ने किया था। क्लोरोफार्मा का आविष्कार किसने किया था? क्लोरोफार्मा का आविष्कार हेरिसन तथा सिंपसन ने किया था। क्लोरोफार्मा का आविष्कार हेरिसन तथा सिंपसन ने किया था। टेरामाइसिन का आविष्कार किसने किया था? टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। टेरामाइसिन का आविष्कार फिनेल ने किया था। डायबिटीज का आविष्कार किसने किया था? डायबिटीज का आविष्कार बेटिंग ने किया था। डायबिटीज का आविष्कार बेटिंग ने किया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क ने किया था। पोलियो वैक्सीन का आविष्कार जॉन ई शाल्क ने किया था। बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया का आविष्कार ल्यूवेनहॉक ने किया था। आरएनए का आविष्कार किसने किया था? आरएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया था। आरएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा आर्थर अर्ग ने किया था। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रोस ने किया था। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा का आविष्कार रोनाल्ड रोस ने किया था। विटामिन ए का आविष्कार किसने किया था? विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन ए का आविष्कार मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार किसने किया था? विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। विटामिन सी का आविष्कार होलकट ने किया था। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार किसने किया था? सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डाग मेक ने किया था। सल्फा ड्रग्स का आविष्कार डाग मेक ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार किसने किया था? हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण का आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। लिंग हार्मोन का आविष्कार किसने किया था? लिंग हार्मोन का आविष्कार स्टेनाच ने किया था। लिंग हार्मोन का आविष्कार स्टेनाच ने किया था। गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार किसने किया था? गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिनकस ने किया था।
गर्भ निरोधक गोलियों का आविष्कार पिनकस ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार आइनियो योनवन ने किया था। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आविष्कार आइनियो योवन ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंक ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिंक ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार किसने किया था? टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी बैक्टीरिया का आविष्कार रॉबर्ट कोच ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? पेनिसिलिन का आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन का आविष्कार एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। बीसीजी का आविष्कार किसने किया था? बीसीजी का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया था। बीसीजी का आविष्कार यूरिन कालमेट ने किया था। रक्त परिवर्तन का आविष्कार किसने किया था? रक्त परिवर्तन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। रक्त परिवर्तन का आविष्कार कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। डीएनए का आविष्कार किसने किया था? डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। डीएनए का आविष्कार जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने किया था। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था? पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किट्टा जाटोज ने किया था। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा का आविष्कार किट्टा जाटोज ने किया था। जंपिंग जिन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? जंपिंग जिन सिद्धांत का आविष्कार बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। जंपिंग जिन सिद्धांत का आविष्कार बारबरा मैक्लिंटॉक ने किया था। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का आविष्कार जेकब और मोनार्ड ने किया था। रेगुलेटरी जीन सिद्धांत का आविष्कार जेकब और मोनार्ड ने किया था। डीएनए संश्लेषण का आविष्कार किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का आविष्कार कार्नरबर्ग ने किया था। डीएनए संश्लेषण का आविष्कार कार्नबर्ग ने किया था। प्राकृतिक वर्णवाद का आविष्कार किसने किया था? प्राकृतिक वर्णवाद का आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने किया था। प्राकृतिक वर्णवाद का आविष्कार चार्ल्स डार्विन ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार लेनेक ने किया था। चेचक का टीका प्रत्यक्षीकरण तकनीकी से का आविष्कार किसने किया था? चेचक का टीका प्रत्यक्षीकरण तकनीकी का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था। हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन का आविष्कार किसने किया था? हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन का आविष्कार क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। होम्योपैथी के संस्थापक का आविष्कार किसने किया? होम्योपैथी के संस्थापक का आविष्कार हाइनेमैन ने किया था। हाइनेमैन ने किया था। पुनरावर्तन सिद्धांत का आविष्कार किसने किया था? पुनरावर्तन सिद्धांत का आविष्कार अर्नस्ट हेकले ने किया था। अर्नस्ट हेकले ने किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार किसने किया था? लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया था। लेप्रोसी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने किया था। रेबीज रोधी टीका का आविष्कार किसने किया था? रेबीज रोधी टीका का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था। रेबीज रोधी टीका का आविष्कार लुई पाश्चर ने किया था। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक का आविष्कार किसने किया था? आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक लिस्टर ने किया था। लिस्टर ने आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक का आविष्कार किया था।
प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज का आविष्कार किसने किया था? प्रथम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन खोज की आविष्कार एफ फ्लेमिंग ने किया था। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।